वेलकम टू माय फूड चैनल संजय का फॉर फूड। जैसा कि मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ तीन फ्लेवर्स लस्सी के, तो पहला जो फ्लेवर मैं लेके आया हूँ आपके सामने वो है मैंगो एंड लाइम। मैंगो हर किसी का फेवरेट है और ऊपर से गर्मियों के सीजन में तो मैंगो आसानी से भी मिलता है और आपको हर कोई मैंगो खाना बहुत पसंद करता है। तो उसके बाद जो मेरा सेकेंड है मेरे पास कॉफ़ी। कॉफ़ी जो मैं यूज़ करूँगा वो सेम मेरा जो बेस रहेगा वो दही शुगर रहेगा। हर लस्सी का बेस जो है वो सेम रहेगा। उसके अलावा यूज़ करूँगा वो करूँगा इंस्टेंट कॉफ़ी। यूज़ खाता हूँ कि मैं कोई ब्रांड प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, ये अगर लोकल ब्रांड है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पर ये इंस्टेंट कॉफ़ी है। और जैसे मैंने आपको मैंगो दिखाया तो जैसे मैंगो मेरे पास अभी फ्रेश नहीं है तो मैं ये मैंगो पल्प यूज़ कर रहा हूँ। मैंगो पल्प जो है ये एक्चुअली इंडियन ब्रांड की है, इसका नाम है केसरी मैंगो पल्प और ये आपको आसानी से मिल जाएगा। वैसे आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इंडिया में आम आपको पता है कि बहुत बहुत ज़्यादा सस्ते मिलते हैं और आसानी से। मैं यहाँ पे जो मेरा तीसरा मैं यूज़ करूँगा इलायची एंड वनीला। वनीला एक्चुअली मैं आइसक्रीम यूज़ कर रहा हूँ, सोचा था कि वनीला एक्स्ट्रैक्ट यूज़ करूँगा, बट एक्स्ट्रैक्ट का जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है तो शायद आप लोगों को पसंद ना आए वो, तो इसलिए मैं इंस्टेंट आइसक्रीम यूज़ कर रहा हूँ। जो आइसक्रीम जो है सबको पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यार तो सेम थिंग, सो वे बेस जो सबका रहेगा वो सबका बेस रहेगा। पहला लेंगे दही, दही प्लेन है हमारी, दही के साथ में हम लेंगे थोड़ा शुगर। आप देख रहे होंगे कि मैं अपने अंदाजे से डाल रहा हूँ, तो मैं इसे डालता हूँ तो वैसे ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं, मेरे पे आपको सारी रेसिपीज मिलेंगी तो आप घबराइए मत। तो यहाँ पे ये मेरा मैंगो है जिसको मैं ऐड करूँगा जब मेरी ये दही थोड़ा व्हिप हो जाए। बेहतरीन से ये व्हिप हुआ है, इसमें ये मैं पूरा जो है मैंगो पाउ ये मैं पूरा डाल दूंगा। अगर आप चाहें तो आप इसमें आइस मिला सकते हैं। तो सेकेंडली मैं इसमें डाल रहा हूँ लाइम, जैसे मैंने आपको बताया इसका जो सेकेंड है वो मैं लाइम यूज़ कर रहा हूँ एक्चुअली, या आपका ग्रीन वाला जो होता है, ज़्यादा नहीं, आधा नींबू इस पर निचोड़ दिया। यहाँ पे ये हमारा बिल्कुल एकदम से तैयार है जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा। इधर इस पे जो हम गार्निश जो हम कर सकते हैं वो हम इस पे ऐसे लाइम का एक रिंग लगा सकते हैं और ऊपर से लाइम के मैंने स्किन के थोड़े टुकड़े काटे हुए हैं उसको ऐसे ऊपर डाल सकते हैं गार्निश के लिए। तो ये हमारी पहली लस्सी यहाँ पे रही। इसके अलावा जो मैं नेक्स्ट जो बनाने जा रहा हूँ वो है हमारी कॉफ़ी। सेम थिंग रहेगा हमारा इसमें भी, इसमें हम लेंगे दही, दही जो हमारा है वो प्लेन है। दही के साथ हम लेंगे थोड़ा शुगर। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूँ और इस बार भी डालूंगा तो ताकि आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता चले कि मैंने कितना यूज किया हुआ है। इसके अलावा जो है मेरे पास यहाँ पे कॉफ़ी है, इंस्टेंट कॉफ़ी है, इसको मैंने थोड़ा पानी में भी डाला हुआ है ताकि ये अच्छे से डिजॉल्व हो जाए और ये अच्छे से दही में मिल सके। तो मैंने इस पर ढक्कन भी लगाया हुआ है ताकि मैं इसको शेक कर सकूँ एंड इसको मिक्स कर सकूँ। तो थोड़ा ज़्यादा नहीं, 10 सेकेंड के लिए इसको मिक्स किया। दही को मैं इसलिए पहले ब्लेंड कर रहा हूँ ताकि ये दही में एयर बबल्स आ जाए और फिर जो हम फ्लेवर उसमें ऐड करें वो अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। कॉफी ऐड करने वाला हूँ,
कॉफी मैंने एक्चुअली यहाँ पे लिया है, 1 teaspoon कॉफी था इसमें एंड 1 teaspoon वाटर था, पर आपको दिखने में ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि ये झाग बना है उसका, इसको शेक करने के बाद। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारी कॉफी भी तैयार है, कॉफी लस्सी हमारी यहाँ पे बहुत बढ़िया दिख रही है, बहुत फ्रॉथी भी है, एकदम जिसे बोलते हैं परफेक्ट कॉफी लस्सी हमें यहाँ पे नजर आ रही है। तो इसका जो गार्निश जो मैं करूंगा, इसकी गार्निश है मेरे पास कोकोनट है, मेरे पास कोकोनट है, या कुछ तो अभी हम यहाँ पे हमारा लास्ट लस्सी बनाने जा रहे हैं। लास्ट लस्सी के लिए हम सेम स्टेप यूज करेंगे, हम डालेंगे अपना प्लेन जो योगर्ट है, दही जो है हमारा, उसको डालेंगे इसमें। हम इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम इसमें आइसक्रीम यूज करने वाले हैं, तो इसमें हमें शुगर की जरूरत नहीं है क्योंकि आइसक्रीम इट्सेल्फ काफी स्वीट है। इससे अभी मैं ऐड करूंगा आइसक्रीम, तो यहाँ पे इलायची जो है, इलायची में कम करीबन लूंगा आधा टेबल स्पून। बहुत ही बेहतरीन खुशबू उसकी आ रही है और काफी इंटरेस्टिंग है। इसको मैं थोड़ा सा और इसको ब्लेंड करूंगा। जब मैंने इसके बारे में सोचा, वनीला आइसक्रीम एंड इलायची, तो मैं ये सोच के काफ़ी मुझे लगा कि ये फ्लेवर तो काफ़ी पॉपुलर रहेगा क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो, अब इलायची जो है हर इंडियन बंदे को पसंद है, चाय में इलायची डालता है, मेरे खाने में इलायची होती है, तो इलायची हमें हर जगह मिलेगी। और बाकी आइसक्रीम, आइसक्रीम के बिना गर्मियों में तो इलायची नहीं है, सही बताओ आप करो। ये हमारी लास्ट हो चुकी है पूरी, इसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा पिस्ताचियो, थोड़ा सा कार्डमम पाउडर, यह आपका जाएगा थोड़ा सा आलमंड ऊपर। ये होगी हमारी एकदम परफेक्ट लस्सी। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन, ताकि आपको आए। मैं हमेशा कुछ ना कुछ नई रेसिपी डालने की कोशिश करता हूँ। प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल एंड हाउ यू गोना सपोर्ट इट, टू जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़, थैंक यू।